तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास बॉक्स Redmi Note 8 Pro का। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे बड़े बड़े वीडियो लाता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन भी दबा देना। तो यहाँ पर ओपन करते हैं बॉक्स को। तो बॉक्स को जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, और वहीं पर आपको एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सा केस भी मिल जाएगा। तो ये एक इंडियन रिटेल यूनिट है। तो यहाँ पर निकालते अपने फ़ोन को, तो यहाँ पर फ़ोन को साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर हमें चार्जर यूएसबी केबल मिल जाती है। यूएसबी केबल यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी मिल रही है हमें। और अब देखते हैं चार्जर। तो ये एक फास्ट चार्जर है जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। इसकी रेटिंग है 10 एम्पेयर की और 20 वॉट की। तो अपने फ़ोन को कवर के अंदर डाल लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं बैक में बिल्कुल ग्लॉसी है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है आपको फ्रंट और बैक दोनों में। तो अगर आप गिर जाएगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली। ऊपर की साइड आईआर ब्लास्टर सेकेंडरी माइक्रोफोन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमरा दिख रहा होगा, इसमें आपको 4 कैमरा मिल जाते हैं। स्पीकर मिल जाता है आपको नीचे की साइड, सिंगल लाउड स्पीकर यूएसबी टाइप सी, और प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 पोर्ट भी मिल जाता है। और साइड में आप देखेंगे तो वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन और सिम ट्रे मिल जाती है उसके अपोजिट आपको। और यहाँ पर देखते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगा। रेडमी की ब्रांडिंग है, और जैसे कि मैंने आपको बताया बैक में भी ग्लास है, तो बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश देता है, और ऐसा लगता है आपने बिल्कुल प्रीमियम फ़ोन पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। तो यहाँ पर साइड में है मेरे पास MI A3 जो बिल्कुल सेम ही लगते हैं लगभग, पर डिज़ाइन आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है। बीच में है कैमरा, वहाँ पर साइड में है, और थोड़ा बड़ा भी है ये। तो फ्रेंड्स, Redmi Note 8 Pro बिल्कुल बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इसको ज़रूर से रिकमेंड कर सकते हैं। ये 16,000 के नीचे आपको मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना नीचे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।